तो क्लास थ्री, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द इंग्लिश लिटिचर स्टोरी हाउस माउस। ये वीडियो का सेकेंड हिस्सा है इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ मैंने वीडियो के पहले हिस्से में पार्ट वन में आप लोगों को इस कहानी का पहला हिस्सा बता दिया था और अब दूसरा हिस्सा इस पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं तो ध्यान पूर्वक सुनिए आप सभी तो व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट दैट दर वाज अ लेडी कॉल्ड वी आर गोइंग टू डू द स्टोरी चैप्टर ट्वेल्व हाउस माउस दिस इज द सेकंड पार्ट ओके तो व्हाट वी हैव सीन इन द स्टोरी दर वाज अ लेडी मिसिस मैलोडी हैड नो वन टू लुक आफ्टर

पालने का भी शौक था उसे ना ही कोई पालतू जानवर भी थे उसके बाद वो अकेली रहती थी सारा काम खुद से करती थी और वो बहुत ही गुस्सेल औरत बन चुकी थी अकेली रह रहकर कोई उसे बात भी करता तो वो ठीक से मुस्कुराहट नहीं देती और वो सब पर गुस्सा करती रहती थी तो वी द माउस ओके और हम लोगों ने देखा कि उस घर में एक ही प्राणी था जो उसके साथ रहता था वो था चूहा एक चूहा जो सिंक में यानी जो हम हाथ वा धोने के लिए जो बेसिन का प्रयोग करते हैं उसी पाइप के अंदर वो सिंक के अंदर माउस रहता था तो फिर हम लोगों ने क्या देखा कि वो एक दिन क्या हुआ मिसेस मैलाडी आ घर को साफ कर रही थी साफ करने के बाद उसने साबुन को आ, रखने के लिए जा रही थी आ साबुन आ, रखते वक्त उसके कुछ पानी और कुछ साबुन जमीन पर गिर गए और जैसे ही वो साबुन को उठाने गई वो खुद गिर गई और इतनी जोर से गिरी कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई और बहुत जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज़ सुनकर माउस वहां पे आ गया We have seen that uh, one day, Mrs. Melody had walked the whole day, and after that, uh, she was taking the shop to keep in its place. But suddenly, the shop has fallen down, and as she went to pick that shop up, she slipped, and she became unconscious. She was not in her sense, and. री लाउडली बिफोर सी बिकेम अनकॉन्सियस एंड हियरिंग लाउड क्राई द माउज है तो उसकी आवाज सुनकर मिसेज मैलेडी की आवाज सुनकर चूहा आ गया और उसने आकर देखा कि मिसेज मैलेडी लेती हुई है आंखें बंद है उसकी आख चूहा दर्शा जाता है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर मिसेिस मैलेडी नहीं उठती है कुछ देर बाद वो कोशिश भी करता है अपने मुंह से मिसेज मैलेडी खकोड़ता है हिलाता है ताकि वो उठ जाए पर नहीं उठती है कुछ देर बाद जब मिसेस मैलेडी उठती है तो उसकी आंखें वो जैसे ही उसकी आंखें खुलती है कुछ देर बाद तो वो माउस को देखती है आफ्टर साइज मैले सीज द माउस इन फ्रंट ऑफ अ एंड सी कुट वो उठ नहीं पा रही उसका एक पैर उठ नहीं पा रहा है तो ये हम लोगों ने पार्टवान में देखा था टिल नाउ मैंने एक्सप्लेन किया था टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन यू इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस स्टोरी यहीं तक मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था अब आगे देखते हैं क्या होता है As Mrs. Lady opens a house, she see, uh, opens her eyes, she sees the mouse in front of her. And seeing him, Mrs. Melody says, Oh little mouse, if only you are able to help me, she said. If you were a cat, you could fetch the neighbors. And if you were a dog, you could bark till somebody came. If you are a parrot, you could shout. फैल फैल बट आई डोंट थिंक अमाउस कैन डू एनी थिंग एट ऑल तो जैसे ही मिसिस मैलेडी की आंख खुली उसने चूहा को देखा आ चूहा को देखते साथ उसने कहा तो जैसे ही मिसेस मेलेडी का आंख खुला वो अपने सामने वो को देखती है चूहे को देखते साथ वो बोलती है ओ चूहे काश तुम मेरी मदद कर पाते काश तुम कोई और जानवर होते चूहे नहीं होते काश तुम अगर एक बिल्ली होते तो मेरे पड़ोसियों को जाकर तुम बुला सकते थे जो मेरी मदद कर सकता था काश तुम कुत्ते होते तो भौंक-भौंक कर लोगों को बुला सकते थे जो मेरी मदद को आ सकता था अगर यह भी नहीं तो काश तुम एक पैरथ होते यानी तोता होते तो तुम बोल पाते हेल्प हेल्प मदद के लिए चिल्ला पाते तो तुम्हें सुनकर मेरी मदद के लिए कोई आता मगर तुम सिर्फ एक चूहे हो अफसोस तुम कुछ नहीं कर सकते बट द माउस रैन आउट इन टू द गार्डन एंड around। अराउंड चूहे को बहुत बुरा लगा फिर भी उसने मिसेस मैलेडी की बात का बुरा नहीं माना वो दौड़ते हुए बाहर गया गार्डन में और यहां वहां देखने लगा एक्चुअली वो चूहा मिसेस मैलेडी मदद करना मदद करना चाहता था डस्टर्स वॉ ब्लोइंग इन विंड अचानक से चूहे ने देखा कि जो डस्टर्स उसने पोछा का कपड़ा जो झा धोकर उसने सुखाने के लिए रखा था गार्डन में वो तंगे हुए सूख रहे हैं गार्डन में और हवा ब्लो कर रहा है हवा उड़ रहा है हवाएं चल रही है और वो सूख रहे हैं हवा में डेन डा माउज हटक रेत आई तब उस चूहे को एक बुद्धि आती है वो कुछ सोचता है करने का कि किस प्रकार में मिसेस मैलेडी की मदद करूं तो देखते हैं किस प्रकार वो चूहा मिसेस मैलेडी की मदद करता है ही बिट टिल द फर्स्ट डस्टर लुक्ड लाइक अ बिग एच देन ही अटैक द नेक्स्ट एंड निबल इट इनटू एन ई द थर्ड डस्टर बिकेम एन एल एंड द लास्ट अ पी वो क्या करता है वो जो डस्टर तंगे होते हैं वो जो कपड़े तंगे होते हैं जो मिसेस मैलेडी ने डाला था गार्डन में उसको वो कुतरना चालू करता है और इस तरह से कुतरता है कि पहले वाला जो दस्ता था पहले वाला जो कपड़ा है वो एच जैसा दिखता है फिर वो दूसरे कपड़े को ऐसा कुतरता है वो ई e दिखता है तीसरे कपड़े को ऐसा कुतरता है वो एल लगता है और लास्ट कपड़े को ऐसा कुतरता है पी दिखता है यानी कि वो चूहा उसमें इतनी बुद्धि थी वो इतना होशियार था उसने कपड़े को इस तरह कुतरा कि वो लिखा देखने वाले को लगे एच ई एल पी तंगा हुआ है, लिखा हुआ है और ये देखकर कोई भी लोग वहां पे मिसेस मैलेडी की मदद के लिए आ पाए क्योंकि मिसेस मैलेडी बहुत बुरी हालत में थी उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो अकेली रहती थी उसके मदद के लिए घर में कोई नहीं था तो उस चूहे ने कपड़े को उस दस्तर को जो तंगा हुआ था इस तरह से कुतरा इस तरह से काटा के वो देखने में बिल्कुल हेल्प एच ई एल पी हेल्प हेल्प की जैसा दिखने लगा आप इसे यहां पे देख सकते हैं इस आ, पिक्चर में देखिए किस तरह से यहां पे एच ई एल पी कु चूहे ने ऐसा कुतरा उस कपड़े को दस्तर को कि वो लटका हुआ पूरा हेल्प नजर आ रहा है एच ई एल पी हेल्प लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये सभी लोगों ने देखकर मदद के लिए आ सकते थे यह किया चूहे ने मिसेस मैलेडी के मदद के लिए उसकी जान बचाने के लिए चलिए आगे देखते हैं क्या होता है हंग ऑन द लाइन वेविंग इन विंड The next door neighbour saw it from her window. Something is wrong at Mrs. Mallard's. She shouted. In a minute, everybody was running to Mrs. Mallard's house. तो वो जो लटका हुआ जो कपड़ा जो हेल्प दिख रहा था, परोज़ वाली एक औरत ने, परोज़ वाली एक लेडी ने परोज वाली एक लेडी ने परोज़ वाली एक लेडी ने उस हेल्प को देखा वो कपड़े लटका हुआ हेल्प को देखा और वो समझ गई ओ, लगता है कि मैलेडी किसी संकट में है किसी मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए और वो ये हेल्प को देखकर वो जो लटक रहे थे हेल्प कपड़े के रूप में जिसे चूहे ने काटा था उसे देखकर वे चिल्ला उठी सुनो सुनो मिसेस मैलेडी को मदद चाहिए उसने चिल्ला दिया और एक ही मिनट में सारे लोग मिसेस मैलेडी के घर इकट्ठे हो गए आई होप यू द स्टोरी टेल हियर नाउ लेट्स मूव अहेड The the mouse went back underneath the sink. माउस वैकनी जहां पे वो था जहां बेसन जो हाथ पांव धोते हैं जिसके अंदर चूहा रहता था वो वापस वहीं चला गया Soon the doctor arrived and then the ambulance. mrs मैलेडी was taken to the hospital. आर लोगों ने डॉक्टर को इत्तला दी डॉक्टर को बुलाया और बहुत ही जल्दी डॉक्टर भी आ गए फिर एम्बुलेंस भी आ गया और एम्बुलेंस में लेटा कर मिसिस मैलेडी को हॉस्पिटल ले जाया गया मिसेस मैलेडी हैड ब्रोकन हर लेग हॉस्पिटल में जाके पता चला मिसेस मैलेडी अपना एक पैर तोड़ चुकी थी टूट चुका था गिरने से मैंने पहले ही कहा था कि बुद्धि औरतों में उतना ताकत नहीं होता है और वो इतनी जोर से गिरी थी साबुन के पानी से स्लिप करके कि उसका एक पैर टूट गया इसीलिए वो बेहोश हो गई थी उसकी आंखें नहीं खुल रही थी तो मिसिस मैलेडी हर लेग एवरी वन वॉज काइंड टू हर पर उसका इलाज हुआ उसको प्लास्टर किए गए उसके पैर सभी लोग बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे उनसे सभी लोग अच्छे से उनसे बात कर रहे थे एवरी वन वॉज काइंड टू हर सभी अपनी दया दिखा रहे थे आस पड़ोस वाले जो भी उसके पड़ोसी थे वो आके दया भाव से उससे बात कर रहे थे एवरी वन वॉज काइंड टू हर एंड द नेबर्स ब्रॉड हर स्वीट एंड फ्रूट एंड फ्लावर्स और जो भी पड़ोसी थे जो उसे देखने आए थे वे उनके लिए फूल गिफ्ट और फूल लेकर आए और मिठाइयाँ भी मिसेस को बहुत अच्छा लगा आज उसे पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि अकेला रहना कितना मुश्किल है और सभी लोगों के साथ घुल मिल कर रहना कितनी अच्छी बात है उसे बहुत अच्छा लग रहा था मिसेस मैलेडी मुस्कुराने लगी हंसने लगी वेन सी सॉ कमिंग जब वो अपने पड़ोसियों को आते देखी उसके पास हॉस्पिटल में उनसे मिलने एंड सी ऑल्सो स्माइल एट द नर्सेस एंड द डॉक्टर्स एनी विन एट जो किसी को देखकर पहले हंसती नहीं थी अब सभी को देखकर वो मुस्कुराना सीख गई वो नर्स को देखकर हंसने लगी डॉक्टरों को देखकर वो मुस्कुराने लगी और बाकी वहाँ सारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट थे उनको भी देखकर वो मुस्कुराने लगी अब वो हंसना सीख गई थी मतलब जीना सीख गई थी सी बी क्वाइट अ पॉपुलर ओल्ड लेडी इन दर्ल्ड और उस हॉस्पिटल उस में उसकी मिसेस मेले की बहुत चर्चा हुई और उसका बहुत नाम हुआ बट वी कांट अंडरस्टैंड इज हाउ यू एवर हंग दैट मैसेज ऑन द क्लोथ लाइन वेन योर लेग वॉज ब्रोकन द नेबर इट यू माइट बी नाउ है मिसेस मेलेडी को जो पड़ोसी से मिलने आए थे उसके लिए मिठाइया गिफ्ट और फूल लाए थे मिसेस मेलेडी से कहने लगे कि एक बात हमें समझ नहीं आई जब आपका पैर टूट चुका था और आपकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और आप अंदर में लेते हुए थे मदद के लिए किसी को बुला नहीं पा रहे थे तो किस प्रकार से आपने हेल्प लिखा हुआ वो कपड़ा तांगा अपने गार्डन में सच पूछिए तो उसी हेल्प कपड़े को देखकर ही हम सभी आपके मदद के लिए आ पाए कैसे किया यह आपने मिसेस मेलेडी के पड़ोसी उससे पूछने लगे तो मिसेस मेलेडी सोचने लगी कुछ देर के लिए यह कौन कर सकता है फिर उसे कुछ याद आया फिर मिसेस मैलेडी पूछी व्हाट मिसेस आज के ऐसा क्या मैसेज मैंने दिया जिसे देखकर आप सभी मेरी मदद के लिए आ गए दे हर एंड लेट देम आउट ऑन हर बेड हेल्प सी रेड तो पड़ोसी ने जो हेल्प लिखा हुआ आप देख सकते हैं पिक्चर में जो हेल्प लिखा हुआ जो कपड़े ले रहे थे जो डस्टर्स वे उसके पड़ोसी मिसेस मेलोडी के पास ले आए और उसके बेड में वो रख डाले रख दिया और मिसेस मेलोडी उसे देखकर पढ़ने लगी एच हेल्प सी रेड इट लुक्स एज इफ दे बीन अवे सेड द नेबर्स पड़ोसी ने कहा इस कपड़े को देखकर ऐसा लगता है कि जानवर ने कुतरा है इसको चारों तरफ से काटा है तभी इस तरह से हेल्प लिखा हुआ नजर आ रहा है आई बिलीव इट वॉज माई माउस सेट मिसिस लेडी मिसिस मेलेडी और मिसिस मेलेडी कुछ सोचकर मुस्कुरा कर बोली मुझे पता ये किसने किया होगा ये मेरा प्यारा चूहा जो मेरे घर में रहता उसी ने किया होगा मेरी मदद के लिए मिसेस मेलेडी को सब समझ में आ गया कि उसकी जान बचाने के लिए उसी चूहे ने ये सब किया है जिस चूहे को उसने कहा था कि तुम किसी काम के नहीं अगर तुम बिल्ली या कुत्ता या कुछ और जानवर होते तो शायद मेरी मदद कर पाते पर तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे पर फिर भी आज जो मिसिस मेलेडी की जान बची है आज वो अस्पताल में है सभी लोग उससे मिलने आ रहे हैं ये उसी चूहे की मदद के कारण हो पाया है मिसिस लेडी मिसिस मैलेडी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि चलो इस दुनिया में उसका कोई तो है भले ही एक चूहा क्यों ना हो जो उसके साथ रहता है और मुसीबत में उसके आरे वक्त पे काम आता है आई बिलीव इट वाज माय माउस सेड मिसेस मैलेडी देन मिसेस मैलेडी केम होम उसके बाद कुछ ही दिन बाद मिसेस मैलेडी ठीक हो गई और वो अपने घर आई पीपल केम विजिटिंग द हाउस उसके आसपास के जितने पड़ोसी थे उससे मिलने उसके घर आए मिसेस मेलेडी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम टू द माउस और मिसेस मेलेडी ने अपने चूहे से सबको मिलवाया ही फेल्ट अ लिटिल साय वो चूहा बहुत शर्मिला बहुत शर्म महसूस कर रहा था बहुत शर्मिला टाइप का था बहुत शर्म महसूस कर रहा था क्योंकि इससे पहले उसे इतनी इज्जत अफजाई नहीं मिली थी पर आज उसकी सारे लोग सराहना कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं ही फेल्ट अ लिटिल साय बिकॉज देर वॉर सो मच अनएक्सपेक्टेड अटेंशन उसे इतना अटेंशन मिल रहा था उसे इतना नाम हो रहा था उसका वो ये देखकर चूहा को बहुत अच्छा लगा और वो शरमा रहा था बट वेन द विजिटर्स हैदर इन द किचन ही क्रैप्ड आउट फ्रॉम अंडर द सिंक मगर जब सारे लोग चले गए जब वो चूहा मिसेस मैलेडी सिवा अकेली थी तब वो चूहा वापस उस सिंह से जहां पे वो रहता था वो वापस उस सिंह से उस बेसिन से वो वापस निकला ही लिसन टू हर टेलिंग हिम दैट ही वाज द क्लेवरस्ट माउस इन द वर्ल्ड और उसने सुना कि मिसेस मैलेडीस उसके बारे में क्या कह रही थी मिसेस मैलेडी कह रही थी कि ये चूहा इस दुनिया का सबसे समझदार जानवर सबसे समझदार चूहा है एंड सी मैन टू और जिस कपड़े को जिस डस्टर्स को जिस पोछे को जिस कपड़े वाले पोछे को उस चूहे ने काटा था हेल्प लिखने के लिए ताकि मिसेस मैलेडी की जान बच सके मिसेस मैलेडी ने उसे जिंदगी भर अपने पास रखा एज अ प्रूफ इस बात की प्रूफ करने के लिए कि ये चूहा दुनिया का सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान चूहा है। और उस दिन से मिसेस अपने अकेली ना समझी और चूहे के साथ अच्छे से रहने लगी और चूहे भी मिसेस मैलेडी के साथ रहने लगा और उन दोनों के अकेलापन दूर हो गया आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा दिस स्टोरी इज वॉज रिटन बाई

इन्वॉल्व ब्रेव कैरेक्टर्स तो उर्सा उर्षा विलियम्स जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी मृत्यु हो गई है दो में वो उन्नीस से दो तक जीवित थी वो एक इंग्लिश यानी कि एक अंग्रेजी लेखिका थी जिन्होंने बच्चों के लिए सत्तर से भी ज्यादा किताब लिखी है और वो हमेशा किसी न किसी जानवर के कैरेक्टर को अपने कहानी में जरूर लेती है सो आई होप

See you soon. Bye.